बाढ़ प्रभावित किसानों को योगी सरकार की सौगात, 77 करोड़ 88 लाख से ज्यादा का फंड जारी, 35 जिलों के 2,35,000 से ज्यादा किसानों को राहत। आपदा से निपटने के लिए सीएम धामी ने दिया 1 महीने का वेतन, प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा, त्रासदी में अब तक 64 लोगों की हो चुकी है मौत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद की पहली किश्त जारी की, 2,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से पीड़ितों को मदद दी जाएगी। सीएम धामी की पुलिस कर्मियों को बड़ी सौगात, 2001 बैच के पुलिस कर्मियों को 4600 रुपए ग्रेड पे देने का ऐलान, 2002 बैच वालों के लिए बाद में विचार। कांग्रेस पंजाब प्रभारी पद से हटाए गए हरीश रावत, हरीश चौधरी को बनाया गया पंजाब का नया प्रभारी। लखनऊ में सीएम योगी ने कृषि विभाग में नौकरी पाने वालों को बांटे नियुक्ति पत्र, ग्रुप सी के प्रावधिक सहायकों को बांटे नियुक्ति पत्र, सीएम ने प्रावधिक सहायकों को बधाई भी दी। बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री, पहले की सरकारों में हिंदू भावनाओं को पहुंचाई गई ठेस, सपा बसपा कांग्रेस को अपने परिवार से ही फुर्सत नहीं। फ्लाइट में हुई अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की मुलाकात, एक ही फ्लाइट में थे दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। बिजनौर सदर विधायक सुची चौधरी ने की सीएम योगी से मुलाकात, बाढ़ग्रस्त इलाकों में हो रही समस्या की सीएम को दी जानकारी। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा 27 अक्टूबर को मऊ के हलधर मैदान में होंगे बड़े खुलासे। हमीरपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी की जिला महिला उपाध्यक्ष राधा चौरसिया के बेटे के निधन पर दुख जताया। अलीगढ़ में बीएसपी महासचिव मुनकाद अली का बीजेपी सरकार पर निशाना, कहा देश में किसान और जनता है भुखमरी की कगार पर। लखीमपुर हिंसा केस में 4 आरोपियों को पुलिस रिमांड, आरोपी आशीष मिश्रा अंकित दास समेत 4 आरोपियों को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया। सोनभद्र में 12 वफात के जुलूस में लगे देश विरोधी नारे, हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, वीडियो की जांच के बाद पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।